खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। झारखंड में नई सरकार की तारीख तय हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। उन्होंने मंगलवार को राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। इन दो तस्वीरों में झारखंड के भविष्य की पूरी राजनीति छिपी है। सरकार के गठन और प्राथमिकताएं तैयार करने के लिए झारखंड के होने वाले नए सीएम हेमंत सोरेन रांची में गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक करते दिखे, तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम रघुवर दास हार की समीक्षा करने के लिए जमशेदपुर पहुंच गए। मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता चुने जाने के बाद हेमंत सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। 50 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। उनके साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह और झारखंड विकास मोर्चा के प्रमुख बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे। झारखंड विकास मोर्चा ने भी उन्हें समर्थन दिया है। हेमंत सोरेन के सीएम का दावा पेश करने के बाद रांची पहुंचे आदिवासी समुदाय के लोग जश्न में झूमते नजर आए। रांची यूनिवर्सिटी के अंदर की तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ। तमाम जेएमएम के कार्यकर्ताओं को देखिए, नागपुरी डांस और साथ में ढोलक है, गाजा बाजा के साथ ये तमाम कार्यकर्ता जो है वो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। और ये कल से ही इस तरीके की तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। रांची में मैं मौजूद हूँ। हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण कार्यक्रम 29 दिसंबर को होगा। 29 दिसंबर को 1 बजे वो सीएम पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस के कोटे से डिप्टी सीएम के साथ 4 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। आरजेडी के एक विधायक को भी मंत्री पद मिल सकता है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम रांची के मोराबादी मैदान में होगा। शपथ ग्रहण के लिए सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी को न्योता दिया गया है। इसके साथ ही विपक्ष के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। निश्चित रूप से अगर आए तो इससे बढ़िया और क्या है शपथ ग्रहण में। नरेंद्र मोदी जी से कल से आप बात हुई, आपकी कुछ बात हुई? उन्होंने शुभकामनाएं संदेश दिया है, हमने भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद किया। झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी गठबंधन को 81 में से 47 सीटें मिली हैं। झारखंड विकास मोर्चा ने भी उन्हें समर्थन दिया है। इस तरह हेमंत सोरेन को 50 विधायकों का समर्थन हासिल है। एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।